करके गए हैं, तो इतना उदास होने की जरूरत नहीं है उनको, अभी भी जी बहुत मौके मिलेंगे जब अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। बट अब चलते हैं सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग पे और देखेंगे टॉप 6 टीम जो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें स्कारलेट टॉप पे रहेगी 84, ऑगलेस 5 की बात करें 55, और ई स्पोर्ट्स अभी भी थमी रहेगी 53 के साथ। वहीं पे TSM की बात करी जाए 41, चलिए 60 तो नहीं बट 41 चार मैचों में जरूर। वहीं पे सेल्सियस की बात करी जाए 35, 5 वे पायदान पे सेल्सियस की स्क्वाड है। एक सिंगल मैच आप देखें, एक सिंगल मैच के बाद सीधा टॉप 5 में। वहीं पे वर्जन 1 की बात करें, VR1 की बात करी जाए, एक सिंगल मैच उनका भी 29 में पहुंचा चुके हैं। टीम एक्सपार्क टॉप 6 से बाहर हुई जरूर है, बट अभी भी उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट वो बस एक मैच का है। वो 12 जो उन्होंने एक मैच में कमाए थे मिरामार में, उसके बाद से अभी तक उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट आया नहीं। राइवलरी 22, बट आप देखें चार मैचों के पास जो कट ऑफ है वो 29 का है। दो मैचों के बाद मैं नहीं मानता हूं कि ये 50 के ऊपर भी जाने वाला है, 45 मैक्सिमम या फिर 40 वहीं गिरेगा। एग्जैक्टली मैं भी 40-45 के आसपास का ही कुछ एक्सपेक्ट जरूर से करके चल रहा हूं। और ये देखिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा हार्ड हो चुका है। अगला मैच कहीं ना कहीं एक डिसाइडर मैच जरूर से रहने वाला है। टीम ओबे स्पोर्ट्स की बात करें 20 अंक इनके में, फॉल्टी स्पोर्ट्स के 20, फिर ओरैंगटन गेमिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप लेकिन अभी इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं, बिकॉज 19 अंक हमें इनको देखने को मिल रहे हैं। देन सिन ऑफिशियल डेडाई की बात करें, उनके 17 अंक हमें देखने को मिल जाएंगे। वन साइडेड ग्लोरी विद 14, KBP जॉर्ड विद 14, वहीं डिस्ट्रक्ट एक्स की बात करें तो उनके हमें 9 अंक देखने को जरूर से मिल रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो क्वालिफाइड टीम्स हैं कहीं ना कहीं आज के दिन पे उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं आया, अगर हम बात करें पहले दिन और दूसरे दिन के मुकाबले में। तो एक्सपीरियंस लाइनअप के नाम आज का पूरा दिन जाता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं। बट